विशाल ग्वालियर मेला महोत्सव की टीम इस वक्त मैं मौजूद हूँ छतरी नंबर 3 पर। अगर आप में है कोई टैलेंट तो आ जाइए और मिल लीजिए ग्वालियर मेला महोत्सव की टीम से, मेला महोत्सव की टीम से छतरी नंबर 3 पर। अगर आप में डांसिंग टैलेंट है या सिंगिंग टैलेंट है या कोई अदर टैलेंट है या आप हंसा सकते हैं किसी को, तो मिलिए ग्वालियर मेला महोत्सव की टीम से, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से पूरा वर्ल्ड आपका टैलेंट देखेगा। ग्वालियर मेला महोत्सव यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और आपको मिल जाएगा ट्विटर पर भी ग्वालियर मेला महोत्सव। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले इंटरव्यू की, यानी कि जो तीसरा घेरा बना है छतरी नंबर 3 पर। और मेरे साथ में मैम यहाँ पर मौजूद है। मैम क्या नाम है आपका? शुभ ईरानी। कहाँ पर रहते हैं? समाधिया कॉलोनी, श्री रेसिडेंसी। समाधिया कॉलोनी। तो मैडम कैसा लग रहा है मेला? बढ़िया। 2 वर्ष बाद आना हुआ है। बहुत टाइम बाद लगा है, कोरोना के बाद अच्छा मेला लगा है। अच्छा मेला लगा है। हर एक सेक्टर में भीड़ भाड़ है, बहुत भीड़ है और ग्वालियर वासी बहुत प्यार दे रहे हैं चंबल संभाग के ग्वालियर के व्यापार मेले को, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से मेले से दूरी बनी हुई थी। मैडम क्या सुना रहे हैं आज आप? मेरे केक की क्लास है, मैं केक बनाती हूँ। आप केक बनाते हैं? हाँ, मेरा पेज है द टेस्टी टेल्स। अच्छा अच्छा अच्छा। क्लासेस भी लेती हूँ मैं। आप क्लासेस भी लेते हैं, तो घर बैठे लोगों को आप केक की रेसिपी बता दीजिए। एगलेस केक की रेसिपी बता देती हूँ। एक मिनट, अरे चाची जी, भाभी जी सुन लीजिए, आप ही के काम में आएगा। आपके घर में जब बच्चे का बर्थडे होगा ना, तो आप केक घर पर ही बना सकते हैं। हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। हाँ सुन लिया उन्होंने। हाँ, 1 कप मैदा, 1 पौन कप शक्कर, 1.25 कप दही, 1 कप दही और 1/4 कप ऑयल, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच वैनिला एसेंस। ये किसमें, कुकर में डालना है? नहीं नहीं, पहले दही को बीट कर लें। दही सारी चीज़ें ना नॉर्मल टेम्परेचर पे होनी चाहिए, ठंडी कोई भी नहीं होनी चाहिए। ओवन में बना सकते हैं? हाँ, ओवन में, आप कुकर में किसी में भी बना सकते हैं, कढ़ाई में भी बना सकते हैं। सारी रेसिपी जानती हैं आंटी जी। तो आंटी जी, अगर कभी गायर के हलवा का मौसम चल रहा है, हाँ वो पूछ रही हैं भाभी जी सामने, हाँ, जो बैठी है टीवी, हाँ, के सामने, हाँ, वो पूछ रही है गाजर का हलवा बता दो जिससे कि हमारी सास को हो जाए। गाजर का हलवा है, 1 किलो गाजर ले लीजिए आप, उसमें 1 लीटर दूध ले लीजिए और दूध को गाजर में ना कि उसमें उबाल लीजिए तो वो दूध का खोआ बन जाएगा, गाजर भी उसमें अच्छे से भुन जाएगी। फिर उसमें आप एक करछी वो डालिए, देसी घी डालिए, देसी घी डालिए, हाँ, 1 करछी और 1 कप शक्कर डालनी है, फिर भून के और थोड़े से ड्राई फ्रूट देसी घी में रोस्ट करके डालिए। अगर सास को मनाना है तो गाजर का हलवा खिला दीजिए, ये वाला आपकी रेसिपी वाला, तो सास मान जाएंगी, बहू से कभी नहीं लड़ेंगी। नहीं, अच्छा बनाएंगी तो नहीं लड़ेंगी, टेस्ट के ऊपर है। तो आंटी जी भी सास है, कैसा है? सास का दर्द समझ सकती है ना। तो अभी मैं आपको भी गिफ्ट दूंगा और मेरे साथ में हमारी एक और बहन यहाँ पर मौजूद है। कहाँ से हो आप? हम ग्वालियर से हैं। ग्वालियर से, कहाँ रहते हो आप? लक्ष्मणपुरा पड़ाव, ग्वालियर पड़ाव पर रहते हैं। तो इनका भी टैलेंट आपको दिखाते हैं ग्वालियर मेला महोत्सव 2023 में। चलिए ग्वालियर की बेटी का प्यारा सा टैलेंट आप सभी के बीच।